कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन मुस्तैद है। कोरोना संक्रमण न फैले इसके लिए प्रशासन के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में साफ सफाई के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। नगर पंचायत की टीम के कर्मचारियों के द्वारा इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। बद्रीनाथ के सिंहद्वार समेत पूरे मंदिर परिसर में आवश्यक दवाइयों का छिड़काव किया गया। बता दें कि पूरे बद्रीनाथ क्षेत्र में मौजूद गर्म पानी के तप्त कुंड, मंदिर मार्ग, प्रतीक्षालय, अस्पताल, बाजार और सभी चौक चौराहों पर सैनिटाइज किया गया। नगर पंचायत बद्रीनाथ की टीम आज बद्रीनाथ धाम पहुंची है। आज हमने पूरे मंदिर परिसर को, तप्त कुंड को और आने जाने वाले जो भी मार्ग हैं उनको सैनिटाइज किया हुआ है। इसके साथ साथ देवस्थानम बोर्ड के जो भी कर्मचारी यहाँ पर हैं, पुलिस के जो कर्मचारी हैं और PRO के जो श्रमिक यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को हमने मास्क वितरित किए हुए हैं और साथ ही साथ सैनिटाइजर भी दिया हुआ है। एक तरफ जहां जगह जगह सैनिटाइजर का छिड़काव हो रहा है, वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत बद्रीनाथ में बर्फ हटाने और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। नेशनल हाईवे पर जमी बर्फ को हटाने में जुटे PRO के मजदूर और तैनात पुलिस के जवानों को मास्क बांटे गए और कोरोना के संक्रमण के लिए उन्हें जागरूक किया गया। बता दें कि श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट 15 मई को खुलने जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोशीमठ से पूरन सिंह की रिपोर्ट।